हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं सिरिंज के बारे में, मतलब जो इंजेक्शन लगाया जाता है उसके बारे में पूरी की पूरी ए टू जेड जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में देने वाला हूँ। इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि सिरिंज जो होता है वो क्या होता है, ये कितने प्रकार के होते हैं और कौन सा इंजेक्शन कितने डिग्री पर लगाया जाता है, मतलब कितने एंगल में लगाया जाता है उसके बारे में बताएंगे। आप लोगों ने सुना भी होगा कि ये इंजेक्शन 90 डिग्री पर लगाया जाता है, ये इंजेक्शन हमारा 45 डिग्री पर लगाया जाता है, ये हमारा 25 डिग्री का लगाया जाता है। तो कौन सा इंजेक्शन कितने एंगल पर लगाया जाता है उसको भी बताऊँगा। इंजेक्शन जो होते हैं, जो सिरिंज होता है, ये कितने प्रकार के होते हैं उसको भी बताऊँगा, और कितने कितने एंगल पर लगाया जाता है वो सारी की सारी जानकारी आप लोगों को इसी वीडियो में मिल जाएगा। बस आप लोगों को काम यही करना है, अगर आप लोग सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी के इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन नहीं दबाएं तो दबा लीजिएगा, जिससे हमारी नई नई वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको सीधा और सीधा होम पेज पे ही मिल जाए। देखिए दोस्तों, अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो ऐसे ही नई नई वीडियोज आते रहेंगे। आप लोग को काम यही करना है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास इस वीडियो को शेयर करें, जिससे उन्हें भी इन सब चीजों की नॉलेज हो जाए। देखिए, ये वीडियो जो बनाया जाता है केवल और केवल प्रैक्टिस करने वाले छात्रों के लिए बनाया जाता है। कोई भी दवा, कोई भी इंजेक्शन अपने से ना इस्तेमाल करें, एक बार डॉक्टर का सलाह जरूर ले लें। वही चीज महत्वपूर्ण जानकारी में भी लिख दिया हूं, अपने से कोई भी दवा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, एक बार डॉक्टर का सलाह जरूर ले लें। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला बात जो होता है वो है इंजेक्शन। जो सिरिंज लगाया जाता है वो आखिरकार होता क्या है, इंजेक्शन क्या होता है, पहले इसको जान लीजिए। देखिए, इंजेक्शन क्या होता है, इसको छोटा कर देता हूं तब पूरा दिखेगा, तब समझाते हैं आप लोगों को। हाँ, अब दिखा। देखिए, इंजेक्शन क्या होता है, इंजेक्शन जो होता है एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन होता है, एक ऐसा रूट होता है जिसको कि दवा जो होता है लिक्विड फॉर्म में होता है और उसे लगाया जाता है बॉडी के टिश्यू के अंदर। ठीक, जो कि हमारे स्किन के अंदर लगाया जाता है और वो लिक्विड फॉर्म में होता है। और किसके द्वारा लगाया जाता है, एक नुकीला सा निडिल होता है जिसे हम लोग अपने स्किन के अंदर डालते हैं और दवा को क्या करते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं। जो लोग हिंदी में जानना चाहते हैं उनके लिए नीचे लिख भी दिया हूँ कि इंजेक्शन क्या होता है, त्वचा के नीचे शरीर के ऊतकों में दवा का एक तरल रूप से लगाने का एक तरीका होता है। आमतौर पर यह तेज खोखली सुई का उपयोग करके दवा को शरीर के अंदर पहुँचाया जाता है। समझ गया, ये होता है सिरिंज। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पर। जो हमारा सिरिंज होता है, जो हमारा इंजेक्शन होता है, ये कितने टाइप के होते हैं। इंजेक्शन देखिए कई टाइप के होते हैं। एक हमारा होता है पहला इंट्रावेनस, आईवी जिसे शॉर्ट वर्ड में बोला जाता है, और दूसरा हमारा होता है इंट्रामास्कुलर, और तीसरा जो होता है वो होता है सबक्यूटेनियस, चौथा जो होता है वो होता है इंट्राडर्मल, पचवा जो होता है वो होता है इंट्राकार्डियक, और लास्ट जो होता है वो होता है इंट्राआर्टियल। अब इन सबका मतलब क्या होता है वो सारी डिटेल तो बताएंगे, लेकिन एक एक बात आपको थोड़ा सा यहाँ समझा देते हैं कि जैसे कहाँ पे बताऊँ आप लोगों को जगह कहाँ पे खाली, हाँ यहाँ पे थोड़ा सा खाली। जैसे कि मान लीजिए आईवी लिखा गया है, आईवी का फुल फॉर्म क्या होता है, इंट्रावेनस। समझ गए आप लोग, आईवी का फुल फॉर्म क्या होता है, इंट्रावेनस होता है। तो इंट्रा का मतलब क्या होता है, इंट्रा का मतलब होता है हिंदी में समझिए अंदर, और वेनस का मतलब क्या होता है, वेनस का मतलब होता है नस। तो आईवी इंजेक्शन एक ऐसे इंजेक्शन होते हैं जो कि नसों में लगाए जाते हैं, नसों के अंदर लगाए जाते हैं। तो इस प्रकार के इंजेक्शन को हम लोग आईवी इंजेक्शन बोलते हैं, इंट्रावेनस इंजेक्शन बोलते हैं। बस यही बात आपको जानना है। और आईएम का मतलब क्या होता है, बस ऐसे ही थोड़ी समझिए। आईएम का मतलब होता है, आई का मतलब इंट्रा और एम का मतलब क्या होता है, मास्कुलर। ठीक, तो इंट्रा का मतलब हो गया अंदर और मास्कुलर का मतलब क्या होता है, मांस। तो इसका मतलब क्या हो दोस्तों, ऐसे इंजेक्शन जो कि हमारे मांस में लगाए जाते हैं उस प्रकार के इंजेक्शन को हम लोग आईएम इंजेक्शन बोलते हैं। समझ गए, उसी हिसाब से हमारा होता है सबक्यूटेनियस इंजेक्शन। सबक्यूटेनियस के बारे में अभी समझाएंगे आप लोगों को, लेकिन इंट्रा करके जो है पहले उसको समझ लीजिए। और तीसरा चौथा जो हमारा है ये एक हमारा इंट्राडर्मल। देखिए, इंट्रा का मतलब क्या होता है, इंट्रा का मतलब हो गया अंदर और डर्मल का मतलब क्या होता है, डर्मल का मतलब होता है स्किन। तो ऐसे इंजेक्शन जो हमारे स्किन के अंदर लगाए जाते हैं, डर्मिस एपिडर्मिस आप लोग पढ़े हुए हैं ना, अभी आपको पूरा दिखाएंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा जान लीजिए कि रिव्यू पूरा का पूरा कर रहे हैं कि कितना चीज़ आपको समझाएंगे डिटेल में। यहाँ पर देखिए लिखा गया इंट्राकार्डियक, इंट्रा का मतलब होता है इंट्रा का मतलब होता है अंदर और कार्डियक का मतलब क्या होता है, कार्डियक का मतलब जान लीजिए बात हो रहा है हार्ट से रिलेटेड। तो हार्ट से रिलेटेड बात हो रहा है तो हार्ट में जो इंजेक्शन लगाए जाते हैं उसे हम लोग बोलते हैं इंट्राकार्डियक। अब हार्ट में कहाँ लगाए जाते हैं उसके बारे में पूरी बात अभी बताऊंगा। और एक हमारा होता है लास्ट जो होता है वो होता है इंट्राआर्टियल। तो ऐसे इंजेक्शन जो कि आर्टियल के अंदर लगाए जाते हैं उस प्रकार के इंजेक्शन को हम लोग बोलते हैं आईए इंजेक्शन। शॉर्ट वर्ड में इसको आईए बोला जाता है, इंट्राआर्टियल इंजेक्शन। समझ गए आप लोग। तो अभी तक आप लोगों को कुछ नहीं बताएं, बस सिंपल सा रिव्यू बताए हैं कि हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, इनके टाइप का पूरा डिटेल बताएं कि कौन कौन से टाइप होते हैं।
अभी आप लोगों को पूरी बात नहीं बताएं, अभी आपको एक एक चीज के बारे में डिटेल बताएंगे और हर एक चीज का, जैसे इंट्रावेनस इंजेक्शन कितने पे लगाया जाता है, कितने एंगल पर लगाया जाता है, इंट्रामास्कुलर इंजेक्शन कितने एंगल पर लगाया जाता है, वो सारी की सारी बात आपको यहां पर समझना है। बस आपको इस वीडियो को पूरा देख करके जाना है, ये नहीं कि बीच में बोर होकर के आप भाग जा रहे हैं। बीच में बोर होकर के बिल्कुल भी नहीं भागना है, बस एक बार आप वीडियो को देख लेते हैं तो ये इनके बारे में, इस टॉपिक के बारे में पूरी की पूरी जानकारी आपको हो जाएगा। अगर आप मेडिकल के छात्र हैं, अगर कोई टॉपिक आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है कि आप भूल रहे हैं, तो उसको आप वीडियो को रोक करके उसको लिख भी सकते हैं। अगर नहीं लिखना चाहते हैं तो वीडियो को रोक करके आप सीधा सीधा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लेंगे आपके फ़ोन में हमेशा रहेगा, तो वो बात हमेशा आपको याद रहेगा, नहीं तो वीडियो का रिवीजन कर लेंगे तब भी याद हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करने जा रहे हैं इंट्रावेनस के बारे में, फिर बात करेंगे इंट्रामास्कुलर के बारे में, उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे दोस्तों सबक्यूटेनियस के बारे में, उसके बाद हम लोग देखेंगे इंट्राडर्मल के बारे में, फिर हम लोग देखेंगे इंट्राकार्डियक के बारे में। ठीक, चलिए एक एक करके शुरू करते हैं बारी बारी से। सबसे पहले हम लोग बात करने जा रहे हैं इंट्रावेनस इंजेक्शन के बारे में। तो इंट्रा का मतलब क्या होता है और वेनस का मतलब क्या होता है, ये बात आपको समझ में आया है कि नहीं, अभी आप लोगों को बताएं हैं, इसीलिए तोड़ करके बताएं हैं। यहीं से आईवी इंजेक्शन यही होता है, आईवी का फुल फॉर्म होता है इंट्रा वेनस, यही फुल फॉर्म होता है। तो इंट्रा का मतलब समझिए अंदर और वेनस का मतलब होता है नस, समझ गए, हिंदी में इसको बोलते हैं नस। तो ऐसे इंजेक्शन जो कि हमारे नसों में लगाए जाते हैं उसे हम लोग बोलते हैं इंट्रावेनस इंजेक्शन। इंट्रावेनस इंजेक्शन डायरेक्टली इंटर किया जाता है हमारे वेनस में, हमारे नसों में ये लगाए जाते हैं, इस प्रकार के इंजेक्शन को हम लोग इंट्रावेनस इंजेक्शन बोलते हैं, समझ गए आप लोग। फिर यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है, इसमें जो निडिल होते हैं, ठीक, वो जो क्या किया जाता है, इंजेक्शन लगाने के लिए जो निडिल होते हैं, जो सुई होता है, उसको 25 डिग्री के एंगल पर होना चाहिए। एग्जाम्पल जैसे बता देता हूँ आप लोगों को, 25 डिग्री का, जैसे मान लीजिए यहाँ पर किसी पेशेंट का हाथ है, समझ लीजिए, तो आप लोग एंगल पढ़े हुए हैं कि नहीं, ये हमारा 0 डिग्री होता है और ये हमारा 90 डिग्री होता है, ये तो सभी लोगों को पता होगा, पढ़े होंगे ना, और ये हमारा 180 डिग्री होता है, तो यहाँ पर 25 डिग्री हमारा लगभग में इतना आएगा। तो देखिए मान लीजिए यहाँ पर कोई पेशेंट का हाथ है और यहाँ पर नस है, तो आपको यहाँ से थोड़ा सा 25 डिग्री के एंगल पर लगाया जाता है, अगर आप सीधा सीधा लगा देंगे तो नस का आर पार हो जाएगा। क्यों आप लोग सोचे हैं कभी कि क्यों यहाँ पर 25 एंगल बोला जाता है लगाने के लिए, कि 25 डिग्री के एंगल पर लगाया जाए, क्यों नहीं 90 डिग्री पर बोला जाता है? 90 डिग्री पर इसलिए नहीं लगाने के लिए बोला जाता है क्योंकि हमारे नस जो होते हैं इस तरीके से गए होते हैं, तो हमें यहाँ पर इस तरीके से लगाना है कि यहाँ पर जाए और नसों में दवा पहुँच जाए, सीधा सीधा नस में जाकर के हमारा पहुँच जाए और दवा को डालें तुरंत हमारे ब्लड में सर्कुलेट करने लगे, इसलिए 25 डिग्री के एंगल पर लगाया जाता है। अगर 90 डिग्री लगाने लगेंगे तो इस तरह से लगाएंगे तो नस का आर पार हो सकता है, तो नस में जाएगा ही नहीं, इस पार से इस पार हो सकता है, तो इसीलिए इसको लगाया जाता है 25 डिग्री पर। अगर आपसे कोई पूछता है कि 25 डिग्री के एंगल पर क्यों लगाया जाता है आईवी इंजेक्शन, तो आप लोग बोलें क्योंकि नस हमारा इस तरह से होता है, अगर हम 90 डिग्री लगाएंगे तो नस के आर पार हो जाएगा इंजेक्शन, जो हमारा नीडल होता है वो नस के आर पार हो जाता है, इसीलिए इसे हम लोग टेढ़ा करके इस तरीके से 25 डिग्री पर लगाते हैं जिससे नस में चला जाए और सीधा सीधा लग जाए, समझ गए आप लोग। उसके बाद और एक पॉइंट जान लीजिए आईवी के बारे में, मेडिसिन जो होता है रैपिडली एक्शन होता है बाय दिस रूट। रैपिडली एक्शन का मतलब क्या होता है, इस रूट से लगाई गई दवाइयाँ जो होती है वो बहुत तेज़ी से असर करती है। अब ये भी आपको समझा देता हूँ, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई पेशेंट है, कोई भी व्यक्ति है, मान लीजिए उसको हमने टेबलेट दिया, टेबलेट खाया, धीरे 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 एब्जॉर्प्शन हुआ, फिर डिस्ट्रीब्यूशन होगा इसका, ठीक, ब्लड में जाएगा, फिर मेटाबोलाइज होगा, फिर बाहर निकलेगा। तो देखिए इंजेक्शन में क्या होता है, इंजेक्शन में सीधा और सीधा हम लोग दवा को सीधा ब्लड में पहुँचा देते हैं, सीधा का ड्रग जो होता है ब्लड में पहुँचेगा तो अपना असर जो होता है वो तुरंत दिखाएगा, तुरंत दिखाना शुरू कर देगा अपना असर, ठीक, क्योंकि नस में पहुंचा तो दवा हमारा सीधा सीधा कहाँ गया, ब्लड में गया, और ब्लड में जाते ही अपना एक्शन दिखाना शुरू कर देगा, ब्लड का सर्कुलेशन बहुत तेजी से होता है और दवा हमारा जहां जरूरत होता है वहां पहुंच जाता है, समझ गए। तो इसका असर क्या होता है, इस रूट के द्वारा अगर आईवी इंजेक्शन लगाया जाता है तो बहुत तेजी से अपना असर दिखाना शुरू कर देता है। जैसे कि आप लोगों को बताए थे कि जो गैस का तो दवा भी आता है रेनिटिडिन और भी आते हैं दवा, तो गैस के लिए क्यों लगाया जाता है इंजेक्शन, इंजेक्शन इसलिए लगाया जाता है जिसे पेशेंट को तुरंत आराम मिल जाए, समझ गए आप लोग, ये बातें हो गई। इंजेक्शन कैन बी गिवन बाय द इन्फ्यूशन आर डायरेक्टली, इसका मतलब क्या होता है, इंजेक्शन जो होते हैं इन्फ्यूशन के द्वारा डायरेक्ट दिया जाता है, समझ गए आप लोग। तो ये बातें होती हैं, थोड़ा सा इसको जूम करके दिखा देता हूँ आपको, 25 डिग्री का एंगल का एक लगाए हैं इमेज, पता नहीं साफ आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं। देखिए यहाँ पर जो इंजेक्शन है ये इस तरीके से टेढ़ा करके लगाया जा रहा है, ये हमारा 25 डिग्री के एंगल पर लगाया जा रहा है जिससे ये हमारा इंजेक्शन है ना इस तरीके से जाए और यहाँ पर जो नस है, नस गया हुआ है, इस नस में पहुँच जाए। हम इस तरीके से नहीं लगाएंगे इंजेक्शन को, टेढ़ा करके 25 डिग्री के एंगल पर लगाते हैं जिससे हमारा इंजेक्शन जो होता है वो कहाँ पर पहुँच जाता है, वो हमारा जो ड्रग रहता है जो हम लोग निडिल में भरे हुए हैं इंजेक्शन में, वो सीधा सीधा नस में पहुँच जाए और अपना असर जो है वो सही दिखाए,
तो इतना बात आप लोगों को समझ में आया कि नहीं, इसमें किसी को अब कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। यही ज़्यादा कुछ आप लोगों को नहीं बताए हैं, बस यही दो तीन पॉइंट बताए हैं कि इंजेक्शन इस तरीके से 25 डिग्री पर लगाया जाता है, और जब हम कोई भी IV इंजेक्शन लगाते हैं तो उसका एक्शन जो होता है वो बहुत तेज़ी से रहता है। क्यों तेज़ी से रहता है? क्योंकि हमारा जो ड्रग है वो सीधा और सीधा कहाँ पर गया है? ब्लड में गया है, और जब ब्लड में जाएगा तो उसका एक्शन तेज होगा ही। तो यही बात है। आगे हम लोग बात करते हैं इंट्रामास्कुलर के बारे में। इंट्रामास्कुलर इंजेक्शन क्या होता है? अब यहाँ पर इसको भी तोड़ के आपके समझा देता हूँ। देखिए, इंट्रामास्कुलर, इंट्रा का मतलब होता है अंदर, मास्कुलर का मतलब होता है मांस, समझ गए आप लोग? तो ऐसे इंजेक्शन जो कि मांस में लगाए जाते हैं, उस प्रकार के इंजेक्शन को हम लोग IM इंजेक्शन बोलते हैं, जिसको शॉर्ट वर्ड में IM इंजेक्शन बोला जाता है, इंट्रामास्कुलर इंजेक्शन बोला जाता है, समझ गए आप लोग? तो इंट्रामास्कुलर इंजेक्शन जो होता है वो डायरेक्टली इंटर किया जाता है डीप मसल्स में, गहरे मसल्स में हम लोग IM इंजेक्शन को लगाते हैं। अब ये नहीं कि कहीं पर मांस देख ले रहे हैं, मांस सब जगह पे है हमारे, कहीं भी मांस आप लोग पा जाते हैं तो लगा देंगे। इसके लिए भी रास्ता बनाए कि कहाँ पर लगाना है। IM इंजेक्शन जो होता है वो हमारे बॉडी के कुछ हिस्सों में लगाया जाता है, सभी जगहों पर नहीं लगाया जाता है। अब कहाँ पर लगाया जाता है, कहाँ पर नहीं लगाया जाता है, उसको नीचे बताऊंगा, लेकिन पहले इसका थोड़ा सा फायदा जान लीजिए। पहले देखिए, IM इंजेक्शन जो होता है ये सीधे मांसपेशियों में लगाए जाते हैं, गहरे मांसपेशियों में, जहाँ पर ज़्यादा मांस होता है वहाँ पर लगाया जाता है। अब कहाँ कहाँ पर लगाया जाता है उसको बताऊँगा। देखिए, इसमें क्या किया जाता है, नीडिल जो होता है उसको 90 डिग्री के एंगल पर लगाया जाता है। पहली बात क्या बताएं आप लोगों को, पहली बात बताएं कि जहाँ पर डीप मसल होता है वहाँ पर IM इंजेक्शन लगाते हैं, और जहाँ पर डीप मसल्स रहेगा वहाँ पर हम लोग इंजेक्शन को 90 डिग्री पर लगाते हैं, समझ गए आप लोग? 90 डिग्री पर लगाया जाता है। वाटर एंड एक्वस सॉल्यूशन रैपिडली एब्जॉर्ब, मतलब पानी वाला जो होता है एक्वस सॉल्यूशन वो जल्दी से अवशोषित हो जाता है, ठीक, ये एब्जॉर्ब होने का काम करता है। 90 डिग्री पर लगाएंगे, धीरे धीरे करके इसका एब्जॉर्प्शन होगा और अपना असर दिखाना शुरू कर देगा। ऑयली सॉल्यूशन जो होता है वो धीरे धीरे एब्जॉर्ब होता है, ठीक, वो थोड़ा सा उसका प्रोसेस जो होता है स्लो होता है, जो वाटर के फॉर्म में होता है वो थोड़ा सा जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाता है। वाटर और एक्वस का जो सॉल्यूशन होता है, जैसे हम लोग IM इंजेक्शन लगा रहे हैं, IM इंजेक्शन में अगर कोई वाटर एक्वस सॉल्यूशन है तो बहुत तेज़ी से एब्जॉर्ब होगा, अगर वो ऑयली फॉर्म में सॉल्यूशन है तो उसका जो एब्जॉर्प्शन होता है वो थोड़ा स्लो होता है। बस यही बात आपको बता रहे हैं। अब चलिए इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं कि IM इंजेक्शन जो है ये डीप मांस में लगाया जाता है, डीप मसल्स में लगाया जाता है, और 90 डिग्री के एंगल पर लगाया जाता है। पता नहीं दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को, ये देखिए थोड़ा सा जूम कर दिए हैं, ये जो है इंजेक्शन है और इसको हम लोग IM लगा रहे हैं। IM लगा रहे हैं तो कितने डिग्री पर लगा रहे हैं? 90 डिग्री पर। देखिए आप लोग को यहाँ पर थोड़ा सा और बता देता हूँ, 90 डिग्री पर लगा रहे हैं, जैसे कि डिग्री वाला बात समझाना पड़ेगा। ये आपका है 90 डिग्री, ये है आपका 0 डिग्री, और ये है 180 डिग्री, समझ गए आप लोग? तो अगर हम लोग IM इंजेक्शन लगाना है, हमें IM इंजेक्शन लगाना है, तो IM इंजेक्शन हम इस तरीके से लगाएंगे, ये हमारा इंजेक्शन है और हम लोग इसको एकदम 90 डिग्री सीधी करके लगाएंगे। तो इस तरह से लगाया जाता है IM इंजेक्शन। अब हमारे शरीर में IM इंजेक्शन कहाँ कहाँ पर लगा सकते हैं उसको चलिए थोड़ा सा जान लेते हैं, नहीं तो ऐसे ही नहीं कि मांस में लगाना है तो कहीं पर पकड़ करके आप लगा दीजिए, ऐसा काम मत करिएगा। इसको कर देता हूँ छोटा, तब आपको दिखेगा, इससे छोटा नहीं होगा क्या? चलिए हो गया, देखिए ज़्यादा छोटा करने की आवश्यकता नहीं है, हमारा ये शरीर है, शरीर में हम लोग यहाँ पर लगा सकते हैं, यहाँ पर लगा सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं वो IM इंजेक्शन को यहाँ पर लगाने लगते हैं, तो आप लोग यहाँ पर मत लगाइएगा। IV इंजेक्शन जो IM इंजेक्शन जो होता है मांस में जो लगाया जाता है वो गहरे मांस में लगाया जाता है, डीप मसल्स में लगाया जाता है। तो पहली बात तो यहाँ लगा सकते हैं, यहाँ पर भी लगा सकते हैं, बैक साइड में जो लगाया जाता है नीचे वो यहाँ पर लगा सकते हैं, ठीक। बस ये रूट आपको याद रखना है, ऐसे नहीं कि यहाँ पर भी मांस है यहाँ पर भी लगा दें, यहाँ पर भी मांस है यहाँ पर भी मांस है, कहीं पर भी लगा दीजिए, तो कहीं पर भी नहीं लगा सकते हैं, समझ रहे हैं ना? गहरे डीप मसल्स में लगाना है आपको, तो इसका ये रूट होता है। आप लोग इसको यहाँ पर लगा सकते हैं, यहाँ पर लगा सकते हैं, यहाँ पर लगा सकते हैं, यहाँ पर लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग इनको IM इंजेक्शन लगा सकते हैं। अब IM इंजेक्शन इनको लगाना हो गया तो कहाँ कहाँ पर लगाएंगे, जहाँ जहाँ बताए हैं वहीं पर लगाएंगे, फिर उसके बाद ये क्या करेंगे, रोना स्टार्ट कर देंगे जब लगेगा, तो यहाँ पर लगाएंगे और यहाँ पर, ये रूट आप लोग याद रखना, समझ गए आप लोग? तो ये हम लोग बात कर रहे थे इंट्रा मास्कुलर इंजेक्शन के बारे में। चलिए, आई होप आपको पूरी की पूरी बात समझ में आ रहा होगा। देखिए थोड़ा स्लो प्रोसेस में समझा रहा हूँ, जिससे हर एक पॉइंट आपके दिमाग में हमेशा के लिए याद हो जाए। चलिए आगे बात करने जा रहे हैं हम लोग सबक्यूटेनियस इंजेक्शन के बारे में, जिसको शॉर्ट वर्ड में SC इंजेक्शन बोला जाता है, SC रूट बोला जाता है। अब इनका मतलब क्या होता है? इस प्रकार के जो इंजेक्शन होते हैं वो फैटी लीवर में लगाया जाता है। कहाँ पर लगाया जाता है? फैटी लीवर में लगाया जाता है। दिस टाइप ऑफ इंजेक्शन इंजेक्ट इन दी फैटी लीवर, इस प्रकार के जो इंजेक्शन होते हैं वो फैटी लीवर में इंजेक्ट कराए जाते हैं। इंजेक्ट कराने का मतलब क्या होता है? लगाया जाता है, हिंदी में समझिए, लगाया जाता है, समझ गए? फैटी लीवर में इसे लगाया जाता है।
इंजेक्शन, ये जो इंजेक्शन होते हैं वो 45 डिग्री के एंगल पर लगाया जाता है और जो मेडिसिन होता है वो रैपिडली एब्जॉर्ब होता है, मतलब दवाई जो होता है वो बहुत जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाता है, इसका एब्जॉर्प्शन जो प्रोसेस होता है वो बहुत तेज़ी से होता है। तो सबक्यूटेनियस इंजेक्शन जो होता है 45 डिग्री पर लगाया जाता है, और 45 डिग्री का इंजेक्शन कितना होता है आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक, ये हमारा 90 डिग्री है, ठीक, तो ये हमारा होगा 45 डिग्री, ठीक, इसके बीच में ही आएगा ना, ये हमारा 45 डिग्री होगा। तो अगर इस इंजेक्शन को लगाना है तो कुछ ज़्यादा नहीं, इतना नहीं टेढ़ा करना है, इतना करना है, ठीक, इस तरह से लगाएंगे, और ये हमारा 90 डिग्री होता है, ठीक, तो इस तरह से लगाना है। इसको लगाने के लिए थोड़ा सा इंजेक्शन को बीच में करना पड़ेगा, आपको हमेशा ये याद रखना पड़ेगा, ज़्यादा कुछ याद नहीं करने की आवश्यकता है, बस दिमाग में अपने ये बात बैठाए रहिए, इस तरह से ये 0 डिग्री, ये 180 डिग्री आपका है और ये 90 डिग्री है। अगर कोई इंजेक्शन 45 पे लगाना है तो बस 90 के बीच में आ जाइए, तो ये हमारा 45 डिग्री का एंगल बन जाएगा और बस इसी तरह से इंजेक्शन को लगा देना है, समझ गए। तो ये होता है हमारा, और इस प्रकार के जो दवा होते हैं वो क्या होते हैं, इसका एब्जॉर्प्शन जो होता है वो बहुत तेज़ी से होता है। अब इनके कहाँ कहाँ पर रूट होते हैं, कहाँ कहाँ पर लगाए जाते हैं, वो यहाँ पर साइड में दिए गए हैं, आप लोग वीडियो को रोक करके स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसको ले सकते हैं। एग्जांपल इनके होते हैं इंसुलिन, समझ गए आप लोग। चलिए आगे बात करते हैं क्यूटेनियस के बारे में, क्यूटेनियस इंजेक्शन क्या होता है। क्यूटेनियस इंजेक्शन एक ऐसा इंजेक्शन होता है जो कि कहाँ पर लगाया जाता है, क्यूटेनियस इंजेक्शन जो होता है ये एक ऐसा इंजेक्शन होता है जो कि त्वचा के ऊपरी हिस्सों में डर्मिस वाली परत में लगाया जाता है। अब जो लोग स्किन का एनाटॉमी नहीं पढ़े हैं, स्किन के बारे में नहीं पढ़े हैं, उन्हें डर्मिस का मतलब ही नहीं समझ में आया होगा कि डर्मिस क्या होता है, एपिडर्मिस क्या होता है, हाइपोडर्मिस क्या होता है। जो लोग पढ़े हुए हैं उनको याद होगा कि डर्मिस क्या होता है, एपिडर्मिस क्या होता है, हाइपोडर्मिस क्या होता है। अब इनके बारे में थोड़ा सा आपको बताना पड़ेगा, नहीं तो जो लोग नहीं जानते हैं वो लोग कहेंगे हाँ डर्मिस लेयर में लगाया जाता है, डर्मिस के लेयर में लगाया जाता है, लेकिन डर्मिस लेयर होता कहाँ है, डर्मिस लेयर में कहाँ लगाएंगे, उसको बताने से पहले इनका थोड़ा सा नहीं बता देता हूँ तब नीचे की बात समझ में आएगा आपको। देखिए ये होता है स्किन का पूरा एनाटॉमी, ये होता है। अब यहाँ से लेके इतना जो होता है लेयर वो हमारा क्या होता है, एपिडर्मिस होता है, और ये जो यहाँ से यहाँ तक होता है ये हमारा क्या होता है, डर्मिस होता है, समझ गए। और ये जो हमारा इतना पार्ट होता है ये हमारा होता है हाइपोडर्मिस, क्या होता है, ये हमारा होता है हाइपोडर्मिस, ठीक, ये हाइपोडर्मिस होता है, और इसके जो नीचे होता है वो होता है सबक्यूटेनियस लेयर। कौन सा लेयर होता है, सबक्यूटेनियस लेयर। तो ये बातें तो आपको पता ही होगा कि ये हमारा इतना एपिडर्मिस होता है, ये हमारा डर्मिस होता है, ये हमारा हाइपोडर्मिस होता है, और ये हमारा सबक्यूटेनियस होता है। देखिए बहुत सारे लोग भूल भी गए होंगे, जैसे पढ़ाया तो सब में जाता है, मेडिकल के हर छात्रों को ये पढ़ाया जाता है स्किन के बारे में कि स्किन क्या होता है, स्किन में कितने सारे लेयर होते हैं और कौन सा एपिडर्मिस, कौन सा डर्मिस, कौन सा हाइपोडर्मिस, कौन सा सबक्यूटेनियस होता है, लेकिन भूल जाते हैं। जैसे मान लीजिए बहुत सारे लोग 2-3 साल के पास आउट हैं और वो लोग पढ़ाई छोड़ दिए हैं, कहीं पर वर्क कर रहे हैं, भूल गए हैं ये सब, तो इसीलिए सोचा थोड़ा सा आप लोगों को याद कराने के लिए बस थोड़ा सा बातें दिखा दें जिससे पुरानी बातें आपको पूरी की पूरी याद आ जाए। तो सबक्यूटेनियस इंजेक्शन जो होता है ये डर्मिस वाले परत में लगाया जाता है जहां पर डर्मिस होता है, और इस प्रकार के जो इंजेक्शन होते हैं वो 10 से 15 एंगल पर लगाए जाते हैं। आप सोच लीजिए आप लोग इसको कितने एंगल पर लगाना है, जैसे कि मान लीजिए ये हमारा 0 डिग्री है तो ये हमारा मान लीजिए 10 एंगल आएगा, और ये हमारा मान लीजिए 20 है, तो इसको इस तरह से टेढ़े करके लगाना है, ठीक, 10 एंगल पर, 10 से 15 एंगल के बीच में इसको लगाना है। वही चीज़ यहाँ पर कहा जा रहा है, 10 एंगल से लेकर के 15 एंगल के बीच में इसको आप लोग लगाना है, समझ गए। इस प्रकार के जो इंजेक्शन लगाए जाते हैं वो डायग्नोसिस के लिए हो सकते हैं, उसके बाद चेक मेडिसिन सेंसिटिव के लिए हो सकता है, दवाई की सेंसिटिविटी पता करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, समझ गए आप लोग। ये इंजेक्शन हो गया और इनके स्किन के बारे में पूरा का पूरा एनाटॉमी बता दिए हैं। तो देखिए ये हमारा होता है डर्मिस, और इसी लेयर में हम लोग इस तरह से इंजेक्शन को 10 से 15 डिग्री पर लगा देते हैं, ठीक, ये हमारा होता है डर्मिस, समझ गए आप लोग। इस तरह से 10 से 15 एंगल के बीच में इसको लगाएंगे, ये होता है। इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग बात करने जा रहे हैं इंट्राकार्डियक के बारे में। इंट्राकार्डियक का मतलब क्या होता है, इंट्राकार्डियक इसको भी तोड़ देता हूँ जिससे आपको याद हो जाए, ठीक, जैसे इसको इस वर्ड में समझेंगे तो आपको याद हो जाएगा। इंट्रा का मतलब हो गया अंदर, और कार्डियक का मतलब समझ लीजिए हार्ट मसल्स, हार्ट मसल्स। तो अगर कहीं पर आईसी इंजेक्शन आ गया, इंट्राकार्डियक इंजेक्शन के बारे में आ गया, तो इस प्रकार के जो इंजेक्शन होते हैं वो इंजेक्ट कराए जाते हैं, लगाए जाते हैं हार्ट मसल्स में, हार्ट के मसल्स में लगा सकते हैं या फिर वेंट्रिकल में लगा सकते हैं, वेंट्रिकल जो होते हैं यहाँ पर, हार्ट के मसल्स में या फिर इसको वेंट्रिकल्स में लगा सकते हैं, समझ गए। तो ये हमारा होता है इंट्राकार्डियक इंजेक्शन, समझ गए। इस प्रकार के इंजेक्शन को हम लोग हार्ट में लगाते हैं। और देखिए
इट इज़ ओनली यूज इन इमरजेंसी कंडीशन। ये हमेशा इसीलिए बोलता हूँ, कभी भी कोई भी इंजेक्शन अपने से मत इस्तेमाल करिए। डॉक्टर लोग जो होते हैं इमरजेंसी के केसेस में इस प्रकार के इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं, इंट्राकार्डियक इंजेक्शन का। जब कभी आपातकालीन स्थिति में होते हैं, ज़्यादा इमरजेंसी केस रहता है, तब जाकर के इस प्रकार के इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। समझ गए? ये जो हमारा होता है क्या होता है, एपिनेफ्रिन इंजेक्शन, इसका एग्जाम्पल होता है। एग्जाम्पल अगर कोई पूछे कि इंट्राकार्डियक इंजेक्शन का कोई भी एग्जाम्पल एक बताइए, तो आप बता सकते हैं। समझ गए? और एक बात महत्वपूर्ण सूचना आपको बता देता हूँ कि अगर मान लीजिए कोई भी इंजेक्शन आप लगाने जा रहे हैं, मान लीजिए कोई भी इंजेक्शन का यहाँ पर रखा गया है, अब यहाँ से सिरिंज भर के आपको लगाना है, तो अगर मान लीजिए कोई भी इंजेक्शन है और आप उसको पढ़े नहीं, आप आईएम लगा दिए, आईवी लगा दिए, तो एक बात का हमेशा आपको ध्यान रखना है कि अगर मान लीजिए कोई इंजेक्शन है और यहाँ पर लिखा गया है केवल फॉर यूज ओनली आईएम, तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि अगर कहीं पर लिखा गया है कि केवल उस इंजेक्शन को आईएम लगाना है, मतलब इंट्रामास्कुलर लगाना है, मांस के अंदर लगाना है, तो उसे आप लोग ये मत करिएगा कि जल्दी असर दिखाने के लिए उसको आप आईवी लगा दें। ये गलती बिल्कुल भी मत करिएगा, नहीं तो उनको रिएक्शन हो सकता है। समझ गए? अगर कहीं पर आईएम लिखा गया है तो उनको आईएम ही लगाना है। ये नहीं कि आप लोग अपने से थोड़ा बहुत दिमाग चलाने लगें कि इसको इमरजेंसी केस है और यहाँ पर आईएम लिखा गया है, हम आईवी लगा देते हैं जिसे तुरंत हमारे नस में पहुँच जाए और ब्लड में जाते ही तुरंत एक्शन दिखा दे। नहीं, अगर आईएम लिखा गया है तो उसको मांस में ही लगाना है। और वहीं पर अगर किसी इंजेक्शन के ऊपर लिखा गया है फॉर यूज ओनली आईवी रूट, मतलब इसको अगर कहीं पर लिखा गया है केवल और केवल इसको इंट्रावीनस लगाना है और आप सोच रहे हैं कि इसको हम लोग कहाँ पर लगा दें, मांस में लगा दें, आईएम लगा दें, तब दिक्कतें हो सकता है। अगर आईवी लिखा गया है तो आपको आईवी ही लगाना है, और अगर कहीं पर आईएम लिखा गया है तो उसको आपको आईएम ही लगाना है। वहीं पर अगर कहीं पर लिखा गया है बोथ यूज आईवी एंड आईएम, तो आप क्या लगाएंगे? आप दोनों लगा सकते हैं, आईएम आईवी दोनों लगा सकते हैं, लेकिन बेटर जो होता है, जो सही होता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड किया जाता है कि नस में लगा दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है कि आप नस में भी लगा सकते हैं, मांस में भी लगा सकते हैं, तो ज़्यादा इसको आईवी लगाया जाता है जिससे इसका एक्शन जो होता है वो सही होता है। तो यहाँ पर दिमाग आप लोग चलाएंगे अपना तो सही लगेगा, लेकिन आईएम लिखा गया है केवल और वहाँ पर दिमाग चला करके आप अगर लिख देते हैं कि नहीं हम इसको आईवी लगाएंगे जिससे असर जो होता है वो थोड़ा तेज दिखाए, तो नहीं, उनको रिएक्शन हो सकता है। तो ये सारी की सारी बातों पर आपको ध्यान रखना होगा। ठीक, आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप लोग कौन कौन से कैटेगरी के मेडिकल के छात्र हैं वो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आज का वीडियो कैसा लगा वो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे किस टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप लोग अपने टॉपिक को बताते हैं कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाइए तो उसी से हमें टॉपिक मिलता है, तो आप लोग ये काम मत करिएगा कि अपना टॉपिक मत बताइएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सपोर्ट करेंगे तब भी अच्छे से अच्छे वीडियो आएंगे। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।